नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने किया 26 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लगभग 26 करोड़ की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के साथ कई विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब चमोली में आई आपदा पर विपक्ष के आरोपों को लेकर सवाल किया तो मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि विपक्ष को चमोली में आई आपदा पर बिल्कुल भी बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो कांग्रेस के नेता उस समय विदेश में थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं की फोटो को दिल्ली में लड्डू खिला रहे थे, इसलिए विपक्ष को सवाल करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आपदा से कैसे निपटा जाए, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और राज्य सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है, क्योंकि आपदा जैसे मामले पर राज्य के कई बड़े इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय भी शोध कर रहे हैं। नौकरी खोजने आया युवक दोस्त की बीवी को लेकर हुआ फुर्र, तलाश में जुटी पुलिस। दोस्त के पास नौकरी की तलाश में आए युवक उसकी पत्नी को लेकर फुर्र हो गया। पति की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आर्मी भर्ती रैली में लोहाघाट के युवाओं ने लगाई दौड़, 309 हुए सफल। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के सोमनाथ मैदान में सेना की खुली भर्ती रैली जारी है। शुक्रवार को चंपावत जिले के लोहाघाट तहसील के युवाओं की भर्ती हुई। दौड़ के लिए 1101 युवाओं ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 901 युवाओं ने मैदान में दौड़ लगाई। इस दौड़ में 309 युवा पास हुए हैं। साइबेरियन पक्षियों से गुलजार हुई डोईवाला की सुसवा नदी। डोईवाला की सुसवा नदी में साइबेरियन पक्षियों के आने से इन दिनों इलाका गुलजार हो गया है। प्रकृति प्रेमी भी इन पक्षियों के आने से काफी खुश हैं। सरकार जल्द लॉन्च करेगी घसियारी योजना, ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार जंगलों में घास काटने जाने वाली महिलाओं के लिए जल्द ही घसियारी योजना लॉन्च करने वाले हैं। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी है। युवक को छेड़खानी करना पड़ा महंगा, युवती की शिकायत पर पहुंचा जेल। कोसी बैराज क्षेत्र में एक सड़क छाप मजदूर को युवती से छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि कोसी बैराज घूमने आई युवती से आरोपी युवक छेड़छाड़ करने लगा, तभी युवती ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। काशीपुर में एनसीसी का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। काशीपुर में एनसीसी की 78 यूके बटालियन के तत्वाधान में कैडेट्स का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब ऑनलाइन बनेगा ग्रीन कार्ड, नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत में अब 2 महीनों का ही शेष वक्त रह गया है। ऐसे में इस बार चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहन चालकों को परिवहन विभाग बड़ी राहत देने जा रहा है, जिसके तहत परिवहन विभाग ने सवारियों को लेकर चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए ग्रीन कार्ड बनवाने की ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है। ऐसे में ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए इस बार व्यावसायिक वाहन चालकों को आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर पहले ही दिन हंगामा, पुलिस लठ लेकर आई, भीड़ देखकर डरकर भागे कर्मचारी। हरिद्वार देहरादून राजमार्ग पर लच्छीवाला टोल प्लाजा पर गुरुवार को टैक्स की वसूली का काम शुरू हुआ, लेकिन काम शुरू होते ही वहां हंगामा बरपा और काम को ठप कर दिया गया। टोल वसूलने का काम शुरू होते ही जिले में पंजीकृत वाहनों से वसूली बंद करने की मांग को लेकर प्लाजा पर कांग्रेस उकरान कार्यकर्ताओं ने अलावा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन, डोईवाला ट्रक और डंपर आदि यूनियन से जुड़े चालक और मालिक यहाँ आ धमके और उन्होंने टैक्स वसूलने नहीं दिया। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची और साथ ही प्रशासन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी भी प्लाजा पर पहुंचे, लेकिन भीड़ उग्र हो रखी थी, ये देख अधिकारी चुप हो गए। इस दौरान टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ ही अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक होती रही। कर्मचारी डर कर भाग गए, क्योंकि भीड़ ने उन्हें काम बंद करने को कहा। मंदिर जा रहे थे 3 दोस्त, हादसे में 2 की मौत, ऐसे हुआ दर्दनाक हादसा। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में हुए एक दर्दनाक हादसे ने सबको दहला दिया। हादसे में 3 युवकों को डंपर ने कुचल दिया। हादसे में 2 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि दोपहर में बाजपुर में एक स्टोन क्रशर के सामने बाइक पर जा रहे 3 युवकों की टक्कर नील गाय से हो गई। नील गाय की टक्कर से बाइक सवार युवक सड़क पर गिर गए, जिन्हें पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने रौंद डाला। हादसे में मृतक अमन और रोहित गांव रतनपुरा के रहने वाले थे। घायल विनोद भी गांव रतनपुरा बाजपुर का रहने वाला है। इस राज्य में फिर बड़ा कोरोना का कहर, एक दिन में आए 5000 से ज्यादा मामले, स्वास्थ्य मंत्री पॉजिटिव।
देश में कोरोना की रफ्तार कम हुई है। कई राज्यों में कम मामले सामने आ रहे हैं जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। उत्तराखंड में आए दिन 50 से भी कम मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन विपरीत महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। जी हां, बता दें कि राज्य में गुरुवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के 5,427 मामले दर्ज किए गए। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखने हुए प्रभावित शहरों में नई पाबंदियां लगाई जा रही है। PNC ने भी संक्रमण बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षाओं के साथ होंगे होम एग्जाम। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है, शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने गृह परीक्षाओं को लेकर बैठक की जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में सबसे बड़ा निर्णय गृह परीक्षाओं को लेकर किया गया कि 6वीं से लेकर 11वीं तक की गृह परीक्षाओं को शिक्षा विभाग कराएगा, लेकिन इस बार की जो गृह परीक्षाएं होगी उनका पेपर स्कूल स्तर पर ही तैयार होगा। शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ गृह परीक्षाएं भी उसी समय पर आयोजित कराए जाएंगे। 2-3 दिन के भीतर इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि COVID-19 के बाद 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल पूरी तरीके से खुल चुके हैं। ऐसे में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ अब 6वीं से 8वीं और 9वीं और 11वीं के भी बोर्ड परीक्षा कराई जाने पर मोहर लगा दी गई है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, जान के दुश्मन बने गुलदार, दो टुकड़ों में मिला महिला का शव। जिला मुख्यालय के पास की ग्राम पंचायत कापड़ी गांव क्षेत्र में घर के पास खेत में गई एक महिला को गुलदार ने मार डाला। महिला का शव गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में मिला। इस घटना के बाद से एक बार फिर से गुलदार का खौफ है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। ग्राम पंचायत कापड़ी गांव के तोक बचेत में रहने वाली कलावती देवी गुरुवार की शाम घास लेने घर के पास ही खेत में गई थी। शाम करीब 6:45 बजे गुलदार ने कलावती देवी पर हमला कर दिया और उसे घसीटता हुआ ले गया। जब वो देर शाम घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने कलावती देवी की खोजबीन शुरू की। गांव वालों की मदद से उसकी खोजबीन शुरू हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। काफी प्रयासों के बाद मृतक का कलावती देवी का जूता मिला। उसके बाद कुछ दूरी पर उसकी टोपी और इसके बाद करीब 1.5 किलोमीटर दूर धड़ बरामद हुआ। उससे कुछ ही दूरी पर मृतका का सिर बरामद किया गया। आकाशीय बिजली ने गुल कर दी धरती की बिजली। अल्मोड़ा शहर के माल रोड के कुछ इलाकों में 10-12 मोहल्लों की बिजली पिछले 16 घंटों से गायब बताई जा रही है। बिजली गायब होने का कारण आकाशीय बिजली है। 16 घंटों के बाद भी बहाल नहीं हो सकी। देर रात से ही ऊर्जा विभाग के कर्मचारी आपूर्ति बहाल करने में जुटे हैं, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। दरअसल क्षेत्र में ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से फूक गया था, जिसके चलते यह दिक्कत हुई। गुरुवार की दोपहर पर्वतीय क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश हुई थी, इसी बीच आकाशीय बिजली भी गिरी। इससे चैघान पाटा में लगा ट्रांसफार्मर फूक गया। नतीजन इससे जुड़े माल रोड क्षेत्र के साथ ही जिला पंचायत की आवासीय कॉलोनी तल्ला जोशी खोला सेला खोला थपलिया खोलटा बद्रेश्वर आदि मोहल्लों व वार्डों की आपूर्ति भंग हो गई थी।